So hey class Yes, A, ma'am. a very good evening to all of you. So we were there doing 9.1 from ML Agarwal, right? We were there at question number 5, second part. So we had to subtract, right? It's 3xy plus 5yz minus 7zx from 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz, okay? So, देखो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, we have to follow certain set of rules, है ना? अगर हम छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, हमारा आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा। पहला रूल क्या कहता है कि जो फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन है ना, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, राइट? उसको हमने पहले बिठाना है। सो अब फर्स्ट मेथड आई विल फॉलो, मैं यहाँ पे पहले कर रही हूँ कॉलम मेथड, ओके? तो हम क्या करेंगे, जो फ्रॉम के बाद वाला मेरा टर्म है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन लाइक दिस, ओके? So here it is. Now the next step क्या है, जो हमारा from से पहली expression है, जो क्या है 3xy plus 5yz minus 7zx, उसे हम इसके बिल्कुल पीछे लिखेंगे, लेकिन हमने क्या ध्यान रखना है, मैंने same आपको variables. Yes, we have to look for the like variables, like terms. So 3xy, it will come behind, just below 5xy, right? Next is 5yz, Nikhil. 5yz. इसके बिल्कुल below ही. Yes, it will be 2yz minus 2yz. Very good. And zx, what about the zx? Sure. Minus 2zx. Yes. अब मैंने आपको ये बोला था, जब भी आपने column method follow करना है, you have to leave one line. Okay? तो हम यहाँ पे एक line leave करके, we will draw a line, जैसे हम normal subtraction के sums के लिए करते हैं. फर्स्ट साइन इज नेगेटिव, ये साइन चेंज होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस, ओके? ये माइनस प्लस, दिस माइनस विल गेट चेंज इनटू प्लस. इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? अब 5 माइनस 3, राइट, इट विल बी 2xy यस प्लस 3yz, राइट, 7yz. 7 कैसे माइनस, यस इट इज प्लस, ओके आई एम मिस्टेकन, ओके आई एम सॉरी, यस इट विल बी, यस सो यू कैन, ओके सो दिस इज माइनस, इट विल बी प्लस 7 माइनस 2, इट विल बी 5, यस मैम, ओके यस मनन क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा जस्ट अ सेकंड, चलो. सो नाउ वी विल डू आवर हॉरिजॉन्टल मेथड. हॉरिजॉन्टल मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, देखो इसमें छोटा सा एक स्टेप याद रखना है. फर्स्ट स्टेप में हमेशा ब्रैकेट लगा के लिखो, कभी भी बिना ब्रैकेट के एक्सप्रेशंस मत उतारो, राइट? सो इट विल बी लाइक दिस, राइट? डोंट एवर थिंक कि हाय मुझे एक स्टेप फालतू लिखना पड़ रहा है. नो, डोंट थिंक लाइक दैट. हमें ये कभी किसी हमारे स्कूल टीचर ने बताया था और तब से हम ये गांठ बांध कर चल रहे हैं कि नो, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स. नाउ माइनस, अगेन यू हैव टू पुट द साइन ऑफ नेगेटिव, ओके? सो कैन एनीवन रिपीट द सेकंड एक्सप्रेशन? मैम 5xy माइनस उसका साइन नहीं, नहीं सेकंड नहीं, मुझे फर्स्ट बताओ जो फ्रॉम से पहले लिखा है. 3xy प्लस 5yz प्लस 5yz एक्सप्रेशन है वो तो कोई पंगा नहीं लेना, कुछ नहीं करना, ठीक है? सो 2yz माइनस 2zx क्या करेंगे हम? Minus 2, yes, the answer? Yes, Nikhil, it will be minus 5xyz. Yes, beta. Okay, the next part is u minus u. Plus 5, minus plus q, plus 11 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
अगर आप नहीं भी कर रहे हो ऐसा तो इट इज नॉट एन इशू, इस टाइम पे वो इशू नहीं है, लेकिन जब हमने डिविजन करनी है तब ये रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो मुझे पर्सनली आई फील कि जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है ना वो पीछे पीछे अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम एलजेब्रा कर रहे हैं यार, 18 प्लस 10 तो ये हम तो बचपन से ही कर रहे हैं, है ना, व्हाट इज न्यू इन दिस। सो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट से टर्म पहले लिख लेते हैं। सो अब हमने फर्स्ट मेथड विल बी हॉरिजॉन्टल। यस मनन, आर यू रेडी? अभिराज, राशि, एवरीवन इज रेडी? सो हमें ब्रैकेट्स में माइनस मेजर स्टेप इज जाएंगे अगर हमने कोई पंगा नहीं ऐसे दोनों में लाइक टर्म कहाँ है बेटा? माइनस एंड प्लस वील सब्ट्रैक्ट और वी विल ऐड। राशि, व्हाट इज 11 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस एंड व्हाट विल बी द साइन ऑफ Now all four of you do this question by the column method. Yeah, column method. Yes. So the next question is question number 6. You have to subtract the sum of. There are two expressions given, जिसका हमें sum calculate करना है. उसके बाद हमें उसको एक और expression में से minus करना है. So, ये दो तरीके से होता है क्वेश्चन, वही सेम चीज है, या तो आप हॉरिजॉन्टल करो या फिर आप कॉलम मेथड करो, राइट? सो हम क्या कर रहे हैं, पहले कॉलम मेथड फॉलो करेंगे। यस, अब कॉलम मेथड में बेटा दो चीजें होती हैं, हम इसको बाइफरकेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। बाइफरकेट करने का क्या मतलब है कि फर्स्ट स्टेप में वी विल डू द एडिशन पार्ट, राइट? क्योंकि हमारे पास वो एक्सप्रेशन नहीं है जिसे हमें माइनस करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एड द थिंग। अब एडिशन में तो आपको पता है कोई लफड़ा ही नहीं है, बस जैसे आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है बस उसको लिखते जाओ और जल्दी जल्दी से लाइक टर्म्स को उसके बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग टर्म के नीचे लिखते जाओ एंड उसको सिंपली एड अप कर दो, ओके? तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व। तो जैसे कि अब हमने यहाँ पे वी जस्ट रोट डाउन द लाइक टर्म्स टुगेदर, राइट? नाउ अब इसमें आपको साइन जो लाइन में आपको बोलती हूँ वो लीव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। Just simply add up the thing. Just write down a plus, right? And your things are done. Yes, plus minus. Minus. Our number is of the family. So, I have made a big five and ki. Yes. Number. Go there. Go. After that, our first step. Right? Now we have to make one more expression. Yes, ma'am. Okay. So, what is it? That from wala expression was plus 11 y. अब जो हमारा ये आंसर है, ये जो आंसर आया है, क्योंकि हमें इसी से हमें रखनी पड़ेगी। अब हमें जो प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ है? हाँ जी, नो इश्यूज बेटा, ठीक है। तो ये हमारे साइन हो गए चेंज बेटा। व्हाट आई प्रेफर साइन है ना, मैं उसके बाद हाइट, ठीक है? सो इट द केस ऑफ प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस Has everyone got the question? Yes. करने का दूंगी। One of the should be aware of the method. अभी हम क्या करते हैं इसमें? तो क्या करेंगे? Right?
हमारे एक्टिव बन जाता है आपका तो लियो पहली एग्जाम से आप चल रहे हो और जो बच्चा नेशनल वाला ये आज हमने क्या किया है ये रख रहे हैं इसको सॉल्व करके सब ओपना करके जो फाइनल रिजल्ट है वो आंसर विल बी चेंज फ्रैक्शन आपने कर देंगे इज दैट क्लियर सो दिस इज योर होमवर्क ओके चलिए इसके बाद 3 टाइम्स योर ड्यूरी ओके व्हाट मस्ट बी सॉल्व अब इसमें से क्या ही है अब पहले तो ना आप कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो जो हमने मैंने यहां पे 3 a² + 3 b² हम क्या चीज सबट्रैक्ट करें बस हम यहां पे ठीक है टाइप ए माइनस थ्री ए यस अब हम क्या करेंगे इसे क्या माइनस करोगे एक सिंपल लीनियर इक्वेशन क्या है वो रो राइट चल कितने जो कितने आपको सॉल्व करते हैं तो ये वाह -5 माइनस टू से ऐसे चेंज है बॉडी साइज सब चेंज करके ओके डन माइनस इसे भी प्लस थ्री बी से है माइनस थ्री आदि भी चेंज है ना बी नेक्स्ट विल बी योर एक्सप्रेशन करेंगे तो हमें ये ओके मैम थैंक यू